जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराइस राजा आईपीएस राजा के निर्देशन पर सिपाही भेदजीत हत्याकांड में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में किया ढेर, दूसरा बदमाश गोली लगने से घायल हुआ जिसकी उपचार दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस मुठभेड़ में उरई इंस्पेक्टर राठौर भी गोली लगने से घायल हो गए। ज्ञातव्य हो कि गत रविवार को सिपाही भेदजीत सिंह मथुरा की ड्यूटी दौरान उपरोक्त बदमाशों द्वारा गोली एवं धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिस हत्या में दो हत्यारे कल्लोर्फ रमेश पुत्र सुरेश चंद्र मारे ग्राम रहिया, रमेश पुत्र अनंती उर्फ अवंती ग्राम सर सोखी कोतवाली उरई शामिल थे। भाई की हत्या हुई थी और दोपहर को इसके बाद तो एनकाउंटर हुआ है, दो दरवासी मौत हुई है। किस तरह की घटना का खुलासा है, किस तरह की ये 9-10 की रात की घटना थी जिसमें लगभग 1:45-2 बजे के आसपास हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह जो कि थाना उरई चौकी हाईवे पर तैनात थे उनकी कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या उनके द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि ये दोनों अपराधी थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह को शक था कि ये कुछ अपराध कारित करने जा रहे हैं और इनका मूवमेंट देख के, तो जब ये इन्होंने पीछे भागे तो उसी दौरान इन्होंने कांस्टेबल भेदजीत सिंह पर फायर किए। उसमें असफल रहने के बाद इन्होंने भारी चीजों से उनके ऊपर कई बार किए, उनके चेहरे पर, उनके सिर पर, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और वो शहीद हुए थे। इसी में हम लोग लगातार इनके पीछे लगे हुए थे, हमने जानकारी की ये कौन लोग हैं। उसके बाद आज सूचना मिली एक मुखबिर के माध्यम से कि ये यहाँ पर आने वाले हैं किसी अपने कार्य के लिए, तो उसी दौरान नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें हमारे SHO उरई घायल हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। इसके अतिरिक्त और भी गोलियां दो लोगों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी हैं। तो इसके बाद जब जवाबी फायर किया गया तो ये भी घायल हुए और घायल होने के उपरांत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया गया है। इन दोनों के नाम कल्लू और रमेश हैं, ये दोनों उरई के ही रहने वाले हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।